हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। जिस फिल्म में एक ऐसे किरदार के बारे में बताया गया है कि एक लड़का सीधा साधा पढ़ाई लिखाई करके और इंजीनियरिंग करना चाहता है, ऐसे बच्चे जब प्रताड़ित किया जाता है किस तरह से जुर्म की दुनिया में उतरता है, और जब वो जुर्म की दुनिया में उतरता है तो मात्र बिहार की राजधानी पटना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली तक जो है वो हिला के रह देता है। ऐसे व्यक्ति की ये कहानी सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि चंपारण की कहानी है, जहाँ से गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो डांडी यात्रा जो उनकी शुरू हुई थी, कौन सी यात्रा थी उनकी? सत्याग्रह की शुरुआत किया था। क्या बात, वाह। तो वहाँ की कहानी है, और संयोग से जो हमारे डायरेक्टर हैं संतोष मिश्रा जी, वो वहीं के हैं। तो बचपन से उन्होंने सुन रखा था, जान रखा था, बाद में उन्होंने बहुत अध्ययन किया और मुझे भी बताया। तो हम लोग बहुत समय से इस कहानी के ऊपर पे काम कर रहे थे, पर कोई बना नहीं रहा था, क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे कि भोजपुरी में और बागपुर के ऐसा तो बनता तो है नहीं, तो कौन ट्राई करेगा। पर मुझे लगता है ये सही समय था, जब भोजपुरी सिनेमा भी बदल रहा है, तो ऐसे बदलाव के समय में जब ये फिल्म बनाया है इन्होंने, तो हम लोगों ने भी पूरा प्रयास किया कि हम अपनी पूरी ऊर्जा इसमें डाल दें, बाकी दर्शकों के हाथ में, उनको कितना अच्छा लगता है। उस टाइम की वो ऐसी रिबेलियस लड़की, आज भी कई लड़कियां उस लेवल पर रिबेल नहीं कर पाती हैं जो ये लड़की ने उस समय पर रिबेल कर दिया था, जो कैरेक्टर में प्ले करी। सो आई थिंक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की का कैरेक्टर था, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली, अपने दिल की बात खुलेआम बोलने वाली, किसी से डरने जैसी मैं रियली हूँ ना, वैसा ही कैरेक्टर उनका था जो मैंने प्ले किया। तो मुझे बहुत मज़ा आया कैरेक्टर लेकर। गाने जो हैं वो पारंपरिक हैं, ज़्यादातर धुनें जो हैं वो रखा गया है हमारे जिस तरह से युद्ध के समय में जो धुनें उपयोग में लाई जाती थी लोगों में जोश भरने के लिए, तो वो सारी धुनों को इसमें रखने का प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है कि जब आप बायोपिक बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस समय का संगीत भी रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादातर पारंपरिक धुनों को। पिछले तो मैं बहुत समय से सुन रहा था संतोष मिश्रा जी से, 2007 से हमारी दोस्ती है, और तब से मैं ये स्क्रिप्ट उनसे सुन रहा हूँ, और वो हर बार यही कहते थे कि बहुत जल्दी मैं आपको लेके ये फिल्म बनाना चाहूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.